हेलो एवरीवन, कैसा का है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ कि आपको होल केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट करना है, वो भी 45 डेज में। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 45 डेज में कैसे आप कंप्लीट केमिस्ट्री, नॉट सिर्फ 11 ट्वेल्थ को भी, 11th एंड 12th पूरा नीट या जेई का सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखो, आपको डेली 2 घंटे पढ़ना है केमिस्ट्री को, 2 घंटे पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा रफ़ी सर का वीडियो लेक्चर देखना है केमिस्ट्री का, और 1 घंटा वो जो वीडियो लेक्चर देखा है उसके नोट्स बनाने हैं आपको, उसमें क्या क्या पॉइंट आपने सीखा, प्लस उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, राइट। तो ये 2 घंटा डेली का हो गया आपको। अगर आपने ये 2 घंटा डेली ऐसा किया कितने दिन तक, 45 डेज तक, तो आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री हो जाएगी, होल केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, और वो नीट या जेई का सिलेबस जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 45 डेज में। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ध्यान से देखो, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 साल में, 1 ईयर में आप इजीली 6 टाइम, कितना, 6 टाइम आप रिवाइज कर सकते हो। सोचो, 1 साल में 6 मरतबा आप रिवाइज कर सकते हो अगर आपने ऐसा फॉलो किया तो। तो कैसे आपको सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो डेट्स वेरी इजी, सीक्वेंस पर ध्यान रखना है, एकदम इसी सीक्वेंस में आपको जाना पड़ेगा। जब भी आप लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, जब से भी आपको लेक्चर मिलता है, तो आपको इसी सीक्वेंस में जाना है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको स्टार्ट करनी है। तो आपको ये सारे लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे, तो एक प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है जेई नीट 2025 वन शॉट केमिस्ट्री बाय ट्रिक्स ओनली डिफरेंट फ्रॉम ऑल YT लेक्चर। ये वाले प्लेलिस्ट में आपको जाना है, जहाँ पे आपको कंप्लीट वन शॉट सब चैप्टर का मिल जाएगा। तो उसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आपको स्टार्ट करना है, चाहे कहीं से भी कभी भी आपको स्टार्ट करना हो, पहले पीरियोडिक टेबल आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, और फिर ये हो जाए तो केमिकल बॉन्डिंग। ये 3 चैप्टर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगर इस पर कमांड आ गया, ये चैप्टर आपका जितना स्ट्रांग होगा, केमिस्ट्री आपको उतना ही ईजी लगेगा। तो आपको इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करना है, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बाय द वे तीनों 11th के चैप्टर हैं, तो अब उसके बाद पी ब्लॉक आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, फिर डी एंड एफ, और फिर कोऑर्डिनेशन। बाय द वे ये तीनों ही चैप्टर 12th के हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसी ऑर्डर में फॉलो करें, क्योंकि इन तीनों चैप्टर का यूज इसमें होने वाला है। तो आप अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो 11th 12th से अपने को मतलब नहीं है। इस तरीके से आप अगर 6 वीडियो लेक्चर को इसी सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपका पूरा इनऑर्गेनिक 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद आपके ऊपर, अगर आप चाहते हो ऑर्गेनिक स्टार्ट करना तो ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हो, या फिजिकल स्टार्ट करना तो फिजिकल। ऑर्गेनिक में आपको ये सीक्वेंस रखना है, सबसे पहले आपको GOC देखना है, राइट। उसके बाद आइसोमेरिज्म, इसी सीक्वेंस में चलना है, अल्टर नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर तो GOC पहले देखना है, फिर आइसोमेरिज्म, फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन कर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको देखना है ऑर्गेनिक रिएक्शन, फिर रिडक्शन, ऑल रिडक्शन एट वन प्लेस, ऐसा कर करके फिर रिडक्शन देखना है, फिर ऑक्सीडेशन देखना है, देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन, देन एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, सब एक में, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, फिर नेम रिएक्शन, एंड लास्टली बायोमोलिक्यूल। तो ये टोटल 10 चैप्टर हो गए आपको ऑर्गेनिक के, इसी सीक्वेंस में आपको देखना है। बट कभी भी ऑर्गेनिक डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना, आपको जब भी करना है इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में भी 1st 2nd 3rd पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक और केमिकल बॉन्डिंग, ये तो आपको पहले देखना ही है। उसके बाद आप चाहो तो ये 3 को ब्रेक कर सकते हो, रोक सकते हो, बट मैं चाहूँगा कि आप इसको भी साथ में देख लें, ताकि आपका टाइम भी बचे और पूरा ये इनऑर्गेनिक एक साथ कंप्लीट होगा। फिजिकल में क्या सीक्वेंस रखना है, तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स आपको करना चाहिए, फिर सॉल्यूशन। बाय द वे ये 12th का चैप्टर है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, 5th पे थर्मोडायनेमिक्स, 6th पे थर्मोकेमिस्ट्री, 7th पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड 8th पे केमिकल काइनेटिक्स। तो इसमें फिजिकल में टोटल 8 आपको हो गए, और वैसे ही ऑर्गेनिक में टोटल 10 हो गए, और इनऑर्गेनिक में टोटल 6 हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 24 चैप्टर है 11th और 12th में। अगर डेली आपने 1 घंटा वीडियो लेक्चर देखा, और 1 घंटा उसके नोट्स, और उसमें जो प्रॉब्लम गिवन है उसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया खुद से, फिर आपको जो अप्रोच बताया गया, आप अगर उस तरीके से थिंक करना सीख गए, तो 45 डेज में आपका एक बार पूरा 11th और 12th का केमिस्ट्री कंप्लीट होगा। डैट मीन्स ईजिली आप 1 ईयर में 6 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत इजी वे में, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, इजीली केमिस्ट्री कंप्लीट होगा।
थैंक यू।